वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन लर्निंग बॉक्स। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बिल्कुल नया क्लास है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट के बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन है। ये मैं 2020 यूज़ कर रहा हूँ, एडोबी आफ्टर इफेक्ट 2020। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे इंट्रोडक्शन है। ये है रोटो ब्रश, यहाँ पर बिगिनर के लिए एक फर्स्ट क्लास है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं रोटो ब्रश से आप क्या कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन है। लर्न मोर पे अगर क्लिक करें तो यहाँ से आप रिडायरेक्ट हो सकते हैं दूसरी कोई जगह पे, जहाँ पे आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। और अगर इस चैनल पे आप स्टिक होना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे से हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट पे। तो एडोबी आफ्टर इफेक्ट पे हम लोग कैरेक्टर एनिमेशन कर सकते हैं, कैरेक्टर को मूव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन था एडोबी की तरफ से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कंटेंट अवेयर फिल फॉर वीडियो। यहाँ पर इस कंटेंट अवेयर जो फिल होता है, इसको हम फोटोशॉप में भी यूज़ करते हैं। आप लोग ने जिन्होंने फोटोशॉप का क्लास किया हुआ है और इलास्ट्रेशन का क्लास किया हुआ है तो लोग जानते हैं काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पर हम लोगों को जाने पहचाने हुए ऐसे लगेंगे। तो आइए इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद इस जगह पे क्लोज करते हैं। दिस इज़ द न्यू कॉम्पोजिशंस एंड न्यू फुटेज फ्रॉम द न्यू कॉम्पोजिशंस। इफ यू वांट टू पेस्ट इट ओवर हियर एनी थिंग लाइक जेपेक फाइल, लाइक पीएनजी फाइल। और इस जगह पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट फाइल है। प्रोजेक्ट फाइल में हम लोग वीडियो प्रोजेक्ट रखते हैं या AI प्रोजेक्ट रख सकते हैं या और JPEG फाइल, सारे के सारे प्रोजेक्ट जो एसेट होते हैं यहाँ इस जगह पे हम लोग रखते हैं। दिस इज प्रोजेक्ट। और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ टूल्स जो है डिजेबल है बिकॉज ऑफ हम लोगों ने काम अभी तक नहीं शुरू किया। अगर प्रोजेक्ट फाइल में न्यू कंपोजिशन करेंगे तो ये सारे इनेबल हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इसके ऊपर हम लोग लेयर बाय लेयर प्रोजेक्ट को रखते हैं। जहाँ पर इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि इन्फो है, ऑडियो का पैनल है, प्रीव्यू और अलाइन, कैरेक्टर, पैराग्राफ, ट्रैकर, कंटेंट अवर फिल। सो दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज़ वर्क स्पेस। और इस जगह पे बोला जाता है वर्क स्पेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं लर्न पे अगर क्लिक करेंगे तो दिस इज़ फॉर द लर्न वर्क स्पेस एंड स्टैंडर्ड वर्क स्पेस। ये जो है स्टैंडर्ड वर्क स्पेस और स्मॉल स्क्रीन लाइब्रेरी। सो अगर आप लोगों ने कभी भी गलती से किसी भी तरह से गलती कर दिया और वर्क स्पेस जो है आपका गलत हो गया तो आप बिल्कुल मत घबराइए, यहाँ पर जाइए, देन गो टू द वर्क स्पेस एंड यू कैन रिसेट योर वर्क स्पेस टू स्मॉल स्क्रीन। सो ये रिसेट हो जाएगा। अगर फिर से चाहते हैं कि हम लोग नया वाला ऑल पैनल चाहते हैं तो एक पैनल ऑल आ जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ओके कीजिए। और अगर चाहते हैं कि कुछ मुझे नहीं चाहिए लाइब्रेरी, यहाँ पर पैनल पे जाइए लाइब्रेरी में, यहाँ पर क्लोज दिस पैनल, तो दिस सेक्शन फॉर पैनल। तो अगर कुछ भी चीज़ आपको फिर से चाहिए, अगर अलाइनमेंट मुझे लगता है कि अलाइनमेंट ज़रूरी है, ऑडियो और इफेक्ट, यहाँ पर काफ़ी सारे इफेक्ट है, अलाइन जो है वो काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पर स्केच स्मूदर और यहाँ पर मास्किंग के लिए मास्क। सो अगर किसी वक्त आप लोगों ने गलती से कुछ अगर डिलीट कर दिया हो, अगर क्लोज पैनल कर दिया हो गलती से, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जाइए और गो टू दिस सेक्शन, यहाँ पर आपको क्या चाहिए वो मिल जाएगा। इनको लर्न, आपको लर्न चाहिए तो ये मिल जाएगा। और हम लोगों ने अगर मान लीजिए इफेक्ट एंड प्रीसेट इस पैनल को हम लोगों ने क्लोज कर दिया, अलाइन को भी हम लोगों ने क्लोज कर दिया और गलती से ये सब हो गया, क्लोज कर दिए और गलती से ये सब हो गया तो विंडोज़ में आपको मिल जाएगा लाइब्रेरी। देखिए लाइब्रेरी आ गया,
और यहाँ पर लाइन जो है बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर ऑडियो, तो बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडोब के जो सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने देखा, पेन टूल के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि लास्ट एटर में हम लोग पेन टूल काफ़ी समय यूज़ करते, पेन टूल जिसे फॉर टेक्स्ट टूल। और आप सोच रहे हैं कि ए जो है डिजायरेबल क्यों है, तो अगर हम लोग यहाँ पर जाते हैं न्यू कॉम्पोजिशन, यहाँ से भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, इसी वक्त पे भी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट अ न्यू कॉम्पोजिशन, क्लिक हेयर एंड देन एक न्यू विंडो खुल जाएगा, देन देयर आफ्टर ओके, हिट ओके, देन आप देख सकते हैं कि ये जो है पैनल आपको आपके लिए इनेबल हो गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस इज फॉर द टाइप टूल, और यहाँ पर इस जो एरो है, इस एरो का मतलब है कि यहाँ पर और भी हिडन टूल्स है, तो अगर यहाँ पर क्लिक करके होल्ड करेंगे तो देखिए हॉरिजॉन्टल टाइप टूल एंड वर्टिकल टाइप टूल ये जो है आपको दिखाई देगा। एंड देन देयर आफ्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेन टूल, अगर यहाँ पर क्लिक करके होल्ड करेंगे तो और भी हिडन टूल आपको दिखने लगेंगे, द मार्क्स फेदर एंड यहाँ पर डिलीट वर्टेक्स टूल और एड वर्टेक्स टूल, पेन टूल, ये सारे के सारे आपको दिखने लगेंगे। यहाँ पर इस एरो का जो ट्राइंगल है, इसका यहाँ पर जो एरो है ये कॉर्नर में जो एरो है, इसका मतलब है इसके नीचे और भी हिडन टूल्स है, हिडन टूल्स को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिए। रेक्टेंगल टूल्स, राउंडेड रेक्टेंगल टूल्स, क्लिप्स टूल्स एंड पॉलीकोन टूल्स एंड स्टार्ट टूल्स, ऑल ऑफ दिस विजिबल हेयर एंड गो टू दिस रेक्टेंगल टूल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैन बिहाइंड टूल, यहाँ पर एंकर पॉइंट्स एंड सो व्हाट इज एंकर पॉइंट्स, एंकर पॉइंट्स जो हम लोग इलास्ट्रेटर में हम लोग यूज़ करते हैं, जिस पॉइंट से हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पाथ को, या किसी अगर शेप हो गया उसको हम लोग बड़ा या छोटा कर सकते हैं, या रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए रोटेट टूल्स है, रोटेट टूल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट इज दिस हैंड टूल, हैंड टूल से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंपोजिशन में हम लोग इसको मूव करवा सकते हैं। और दिस इज सिलेक्शन टूल, हम लोग किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर, बट इन द सिनेमैटिक प्रोजेक्ट, इन द सिनेमैटिक इफेक्ट they are not using After Effects, they are using high versions of the software. In another class I will discuss about everything. This is the first tutorial of Adobe Illustrator. यहाँ पर दिस हैंड टूल, दिस इज जूम टूल, जूम टूल से हम लोग किसी भी चीज़ को यहाँ पर देखिए हम लोग जूम कर सकते हैं, और जूम करके हम लोग उसको देख सकते हैं, इसके बारीक से बारीक काम इसको कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पे लेयर होता है, और यहाँ पर हम लोग प्रोजेक्ट फाइल रखते हैं, ऑडियो फाइल, लेयर बाय लेयर ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, सब कुछ रखते हैं। और इस जगह पे देखिए आप लोग देख सकते हैं क्लिक टू ओपन द प्रोजेक्ट सेटिंग, एंड कुछ भी डिलीट करना होगा तो डिलीट कर सकते हैं। ये पैनल जो है शो चैनल कलर मैनेजमेंट, लोगों ने चैनल कलर मैनेजमेंट हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। रेड यहाँ पर, ग्रीन, ब्लू, अल्फा जो आरजीबी स्टेट है ये भी हम लोग कर सकते हैं। और दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेस, इफ यू वांट डिफॉल्ट वर्क स्पेस क्लिक हियर एंड यू गेट दिस इज अ डिफॉल्ट वर्क स्पेस एंड लर्न एंड स्टैंडर्ड एंड स्मॉल स्क्रीन एंड दिस इज द नाउ if you want to save your people workspace like this, I do not think this is important. If you think this is not important, close this. And after closing, if you think this is my workspace, now you can save this kind of workspace and go to the save workspace. Here you can edit your workspace. Here this is the board. You can edit your workspace. Now hit OK, and after editing you can hit OK. And यहाँ पर आप देख सकते हैं कि workspace को आप लोग extend कर Adobe Color Theme
यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा Adobe Color Theme। और ये जो Adobe Color Theme है बिल्कुल ऑफलाइन पे काम नहीं करेगा, और मैं अभी ऑनलाइन हूँ, मेरे क्रिएटिव क्लाउड में अकाउंट है, और इसलिए ये देखिए आपको जो है Adobe Color Theme आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते कि स्टेंट कलर थीम एक्सटेंशन पे जाके कलर थीम आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ब्रशेस आपको चाहिए कि ब्रशेस टिक है, सिंपली टिक हियर एंड ब्रशेस पैनल इज हियर एंड दिस इज द लाइब्रेरी क्लिक हियर एंड इफ यू वांट टू सेव दिस एंड आफ्टर दिस दिस इज ऑल पैनल दिस इज एफेक्ट मिनिमल एंड यू कैन सेव दिस थिंग Synchronize settings, clear settings, management settings. Okay, so this is the short tutorial about it. This is the help, and this is for the workspace. Very important workspace. So the new workspace. Then, if you want to save and simply नाम दे अगर नाम देना चाहते हैं तो आपके मुताबिक नाम दे दीजिए। बॉक्स हम लोगों ने ये नाम दिया, दिस इज ए डेमो प्रोजेक्ट एंड सो यहाँ पर चला गया तो हैंड टूल से आप लोग यहाँ से मूव कर सकते हैं। दिस इज वेरी यूजफुल नाउ प्रोजेक्ट है, यहाँ पर हैंड टूल से मैंने फिर से किया एंड नाउ सी सो इफ यू हिट ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का जो साइन है वो आ जाएगा तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। और प्लस फिर ये पोजीशन में आ गया, हैंड टूल से हम लोग मूव करवा सकते हैं, इसे कंपोजिशन को मूव करवा सकते हैं एंड यहाँ पर कंपोजिशन का कुछ नाम भी दे सकते हैं। व्हेन यू क्रिएट दिस कंपोजिशन यू कैन सिंपली नेम इट लाइक दैट ऑनलाइन लर्निंग बॉक्स तो फर्स्ट प्रोजेक्ट फर्स्ट लिख देते हैं एंड हिट ओके। यहाँ से बैकग्राउंड कलर भी आपको चेंज करवा सकते हैं, हिट ओके। देयर इज ए न्यू थिंग एंड इफ यू बाय मिस्टेक क्रिएटिंग एनी मेस द लाइक दैट यू हिटिंग हेयर एंड क्लोज दिस पैनल हिटिंग हेयर क्लोज दिस पैनल एंड आप लोग अपने बाय मिस्टेक सभी को क्लोज कर दिया, सभी को क्लोज कर दिया और मिस्टेक भी आपसे हो गया क्लोज कर दिया तो सिंपली हिट हियर एंड यू गेट एवरीथिंग एंड बाय मिस्टेक यहाँ से क्लिक हो गया। और तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ से ब्रशेस अलाइनमेंट एंड एक्सटेंशंस Info and graphics properties and learn libraries everything is here. So this is not essential graphic essential for this panel. And now this is brush and this is here. And if you but this is default thing. Okay. Now how to save this default thing and if you want to save this workspace and edit this workspace, so default this is edit and this is default. Okay, now default and hit here, this is you can get your workspace. Okay, by mistake you have to click me kar diya agar info अगर डिफॉल्ट से आपने कुछ भी ट्रैकर वगैरह है उसको अगर डिलीट कर दिया अगर क्लोज कर दिया स्कैनर से तो आप लोग यहाँ पर क्लिक कीजिए जो आपने सेव किया है आपको मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज कंपोजिशन एरिया और फिर हम लोगों ने जो बनाया था और अगर कुछ भी डिलीट करना हो तो यहाँ से आपको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ए छोटा सा वीडियो था, यहाँ से जाते जाते हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लोन करने के लिए है क्लोन स्टॉन जो फोटोशॉप में यूज़ कर सकते हैं और यहाँ फोटोशॉप में हम लोग यूज़ करते हैं तो यहाँ पर भी है जिसको हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ब्रश टूल। और दिस इज रोटो ब्रश एंड दिस इज वेरी यूजफुल, रोटो क्लिक करेंगे तो रोटो ब्रश रिफाइन एज टूल
यहाँ पर फिगर व्यूज होता है, यहाँ पर परफेक्ट कम्पोजिशन पिन टूल परफेक्ट कम्पोजिशन किसी कैरेक्टर एनिमेशन के लिए लगता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे जो है आपको मिल जाएंगे, परफेक्ट पोजिशन पिन टूल, परफेक्ट स्क्रैच पिन टूल, सो स्ट्रैच पिन टूल, यहाँ पर अगर कोई भी कॉम्पोजिशन रहेगा उसको हम लोग पिन करके मूव करवा सकते हैं, तो इसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो है ये सारे पैनल जो यहाँ पर देखते हैं, ऑर्बिटर ऑन ठीक है, और पैन 100% टूल, ओके, डॉली टू वर्क टूल, एंड दिस इज फॉर द 3D एनिमेशन, सॉरी 3D प्रोजेक्ट, ओके, 3D एनिमेशन, नो प्रॉब्लम। And here you can see this is hand tool and this is home, this is called the home, and for agar click karenge yahan par home se apne project bhi aap create kar sakte hain, select file se aap log yahan par se aap log import kar sakte hain file ko। So thank you very much, this is the short video tutorial about Adobe After Effects, this is the first video tutorial, and in the video mein hum log aur bhi kuch janenge। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और सब्सक्राइब कीजिएगा और भी जानने के लिए। थैंक यू।